हेलो इंस्पेक्टर साहब, मैं राजेश्वर बोल रहा हूँ। नकली नोटों केस का असली मुजरिम मैं हूँ। हरिलाल और अखिल को मैंने फंसाया। दरअसल आज मेरी आत्मा ने मुझे झिंझोड़ा है, इसलिए मैं सच का सामना करना चाहता हूँ। मैं अपने आप को कानून के हवाले करना चाहता हूँ। जी जी ठीक है। लीजिए, आप क्या अखिल भैया रिहा हो जाएंगे। राजेश्वर, मैं तुम्हारा शुक्रिया था कैसे करूं? आप सिर्फ मेरा इंतजार करिएगा, बस। वादा करती हूं। क्या बात है बेटा? मम्मी, भैया घर आएंगे, आप खुद ही देख लीजिएगा। क्या बेटा, तुम सच कह रही हो? मैंने छुड़ाने का इंतजाम कर दिया है, वो छूट जाएंगे। शुक्रिया। क्या भरोसा, धोखा देकर भाग गई तो तुम्हें ढूंढेगा कौन? गलत बात देवराज साहब, अब मीना लावारिस नहीं है, उसे माँ पापा भाई सारा परिवार मिल गया है और हम सब आशियाना में रहते हैं। आशियाना अपनी जगह से उठकर कहीं नहीं जाएगा। अगर तुम्हें साइन चाहिए तो दामिनी को छोड़ना ही पड़ेगा, समझे? क्या हुआ सर? वही, जो एक प्यासे को पानी मिल जाए और भूखे को खाना मिल जाने पर, और लावारिस को वारिस मिल जाने पर होता है। किसकी बात कर रहे हैं सर? मीना बाजार की मीना की बात कर रहा हूं मैं। बहुत हिम्मत आ गई उसमें। मेरी एक बात समझ में आ गई है कि वो सर्कस की जोकर बनना चाहती है। एक मिनट सर, मैं कुछ समझा नहीं। सर्कस में जोकर सिर्फ झूला ही झूलता रहता है, गिरने का डर तो उसे होता नहीं, बल्कि लोगों की तारीफें, तालियां और प्यार पाता रहता है। ठीक उसी तरह आशियाना को मीना ने सर्कस का तंबू समझ रखा है और वहां के लोगों का प्यार और तारीफें पाती रहती है। और इसी तरह एक दिन वो आशियाना को भी लूट ले। अरे आशियाना लूट कर वो मेरी झोली भर दे तो समझ में भी आता है, लेकिन उसके उसकी हरकत से तो ऐसा लगता है जैसे कि वो मुझे ही चूना लगाने को तैयार होगी। चूना? लेकिन सर आप पान तो खाते नहीं। सर कितना पढ़े हो तुम? दिल्ली तक। मतलब मेरा जो स्कूल था ना वो गुजरात में था और जो कॉलेज था वो मेरा। चुप। मेरे कहने का मतलब ये है कि तुम कहां तक पढ़े हो, मतलब व्हाट इज योर एजुकेशन? अच्छा वैसे आ रहे हैं। डबल एमए किया है बट बीए फेल। जब बीए फेल हो तो फिर डबल एमए कैसे हो गए? सर आप भी ना समझते नहीं है। देखिए मैं बीए फेल हुआ, उसके बाद मैंने एमए की जो किताबें थी वो दो बार पढ़ ली तो मैं हो गया ना डबल एमए। मुझे ये नहीं समझ में आता है कि मैं तुम्हें क्यों बर्दाश्त कर रहा हूँ। सर ये तो आपका प्यार है। मैं तो ऊपर वाले से यही प्रार्थना करता रहता हूँ कि आपका ये प्यार आजीवन मुझ पे बरसता रहे। हाँ सर, आपको पता है आपकी लंबी उम्र के लिए मैं कहाँ कहाँ जाके सर ठोकता हूँ, कहाँ कहाँ जाके मन्नतें मांगता हूँ, पता है? ताकि मैं जितना जीऊं तुम उतना ही ज्यादा मुझे परेशान करते रहो। अरे नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है। सर आपको मालूम है जैसे हनुमान जी के दिल में राम का वास था ना, ठीक उसी तरह मेरे दिल में आपका वास है। आप नहीं मानोगे सर, सुबह उठने के बाद और सोने से पहले, भगवान के नाम से पहले मैं सिर्फ और सिर्फ आपका नाम लेता हूँ। सर अनवारी, तुम्हारी ये आदतें तो बहुत अच्छी है, लेकिन इन आदतों के साथ अगर तुम अपनी सोचने समझने की शक्ति को बढ़ाओगे ना तो तुम हीरा बन जाओ। हीरा मतलब दत्त साहब, सुनील दत्त साहब है ना? सुनील दत्त? हाँ, अरे सर वो फिल्म आई थी ना हीरा, उसमें जो हीरो था वो अपने दत्त साहब थे, सुनील दत्त साहब। हाँ आ गए ना औकात पर, आ गए औकात पर तुम। अभी अपने इस मुंह को बंद रखो और जाओ अपना काम करो, जाओ जाओ अपने काम करो। मीना का कुछ करना पड़ेगा। भाभी आपके पति छूट जाएंगे। क्यों, क्या वो तुम्हारे भैया नहीं है? हाँ वो मेरे भाई हैं। फिर ये भी तो कह सकती थी कि भैया जेल से छूट जाएंगे। मैंने इसलिए नहीं कहा
क्योंकि कुछ दिनों से आपने मुझे दूर कर दिया है, तो मैंने सोचा मैं ये फैसला खुद ही कर लूं। अखिल को छुड़ा कौन रहा है? आप जानती हो कि भैया के लिए कौन भागदौड़ कर रहा है। तुम तो छुड़ा नहीं सकती, ये बात मैं अच्छी तरह जानती हूँ। सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि तुम किससे मदद ले रही हो। देखो, फिजूल की बातों में मत उलझो। आपका पति यानी कि मेरा भाई वापस आ रहा है, इसकी खुशियां मनाओ। तुम्हें बताना होगा। बता दूंगी तो पैरों तले जमीन निकल जाएगी। जमीन निकले या आसमान फटे, तुम्हें बताना ही पड़ेगा। तो सुनो, मैंने राजेश्वर से मदद ली है। राजेश्वर ने सारा इल्जाम अपने सर पे ले लिया। उसने मेरे ही सामने पुलिस को फोन किया। बेचारा कुछ ही देर में अरेस्ट हो जाएगा। अखिल भैया और हरिलाल वापस आते ही होंगे। आज एक बात समझ में आ गई, इंसान को पहचानना बहुत मुश्किल बात है। मगर रात दिन जिनके साथ रहते हैं उनको पहचानना बहुत आसान होता है, मगर आपने तो अब तक वो भी नहीं किया। किसकी बात कर रही हो? आपके सास और ससुर की। नसीब वाली बहू को ऐसे सास और ससुर मिलते हैं, पर आपने तो कभी उनकी कद्र ही नहीं की। कभी एक बात आपने गौर की है? पति और पत्नी आपस में कितना लड़ते हैं, पर आपके सास और ससुर वो आपस में कभी नहीं लड़ते। अरे जो लोग आपस में नहीं लड़ते वो किसी और से क्या लड़ेंगे? आप उनके साथ प्यार से रहा कीजिए। मेरा क्या है, मैं तो पराई हूं। आपको तो जिंदगी भर उनके साथ रहना है। तुम कहां जा रही हो? अपने ठिकाने। मैं जब यहां आई थी तो मेरे दिल में लालच थी, लेकिन अब मेरे दिल में सिर्फ गम और यादें हैं। लेकिन आप लोगों ने मुझे सिखा दिया कि रिश्ते क्या होते हैं, प्यार क्या होता है। आप लोगों को मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। अच्छा, मुझे और बहुत काम है, चलती हूं। जी कहिए। क्या आप ही राजेश्वर हैं? जी हाँ। आपने फोन पर अपने आप को मुजरिम माना है और अखिल हरिलाल को छोड़ने की बात कही? जी हाँ, मैंने कहा। ये बयान आप किसी के दबाव में दे रहे हैं या? इसके आगे कहने की कुछ जरूरत नहीं है। दरअसल नकली नोटों केस में हरिलाल को मैंने ही फंसाया था। रघु को मैंने ही अखिल का नाम लेने के लिए कहा था ताकि मैं उससे बदला ले सकूं। दरअसल अखिल से मेरी बहुत पुरानी दुश्मनी है। वो अरेस्ट हो गया, मेरे लिए इतना बहुत था। ये बयान आप अदालत में भी देंगे? मैं ये बयान सारी दुनिया के सामने दे सकता हूँ। आप मुझे अरेस्ट कीजिए और उन लोगों को छोड़ दीजिए। आप मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलिए, फॉर्मेलिटीज पूरी करके उन्हें छोड़ दिया जाएगा। चलिए। दामिनी, क्या हुआ होगा? अखिल अभी तक नहीं पहुंचा। आ जाएंगे मम्मी, रिहा हो गए, मैंने पता कर लिया है। मम्मी, भैया आ गए। ठीक हूँ मम्मी। थैंक यू दामिनी, मैं घर का बड़ा बेटा होकर भी एक छोटा सा काम ना कर सका, और तुमने छोटी होकर भी बहुत बड़े बड़े काम किए। यह आशियाना मजबूत दीवारों के कारण नहीं टिका है, बल्कि तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारी ताकत और तुम्हारे बलिदान के कारण टिका हुआ है। गलत बात है भैया। बिल्कुल गलत बात है। ये आशियाना
मम्मी पापा के आशीर्वाद से टिका है। भगवान उन्हें लंबी उम्र दे और हमारे रिश्तों में मिठास बनाए रखे। बस बस, ये तुम्हारे बड़े भैया हैं, अब इनकी गर्दन और मत झुकाओ। मेरा दूसरा बेटा कहाँ है? पता नहीं मम्मी, रिया तो हो गया था। ना मैंने उसे देखा, ना उसने मुझे अपना चेहरा दिखाया। पता नहीं कहाँ चला गया। नहीं नहीं, देवराज सर अभी तक आए नहीं। ठीक है, बोल दूंगा। हाँ जी, सक्सेना का फोन था। क्या बोल रहे सर जी? वो कह रहा था कि वो आपसे बाद में फोन पे बात कर लेगा। कोई बात नहीं बनवारी, आज मुझे एक अजीब सी खुशी महसूस हो रही। क्या बात है सर, ये जान के मुझे बहुत खुशी हुई कि आपको खुशी महसूस हो रही, लेकिन क्या वो खुशी मैं जान सकती? हाँ, क्यों नहीं। आज वो हरिलाल और अखिल दोनों ही रिहा हो गए। तो ये है आपकी अजीब सी खुशी? यस। क्या यस सर? हाँ? आपको गुस्सा आना चाहिए और आपको खुशी महसूस हो रही, वो भी अजीब सी। हाँ बनवारी, एक दिन मेरी इस खुशी के बारे में तुम्हें पता चल ही जाएगा। तबीयत तो ठीक है ना? हाँ बेटा, ठीक हूं मैं। तो आप रो क्यों रही हैं? दामिनी, बेटा मैं हरिलाल को देखना चाहती हूँ, उससे मिलना चाहती हूँ। मम्मी आ जाएगा? नहीं आएगा वो, और अगर आप भी गया तो मैं उसे नजरें नहीं मिला पाऊंगी। गलती मेरे बेटे की थी और सजा उस बेचारे ने भुगती। बेटा क्या सोचता होगा वो हमारे बारे में कि हम लोग इतने बुरे इंसान हैं कि उसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया। दामिनी कुछ भी कर, मैं हरिलाल से मिलना चाहती हूँ बेटा। मम्मी आप फिक्र मत कीजिए, मैं उसे लेकर आऊंगी। बेटा? हाँ मम्मी, वो जहां पर भी होगा मैं उसे लेकर आऊंगी। बेटा मेरा मन नहीं मानता, मुझे नहीं लगता कि तू उसे ला पाएगी। इसका मतलब है आपको मुझ पर भरोसा नहीं है। बेटा तुझ पर पूरा भरोसा है मुझे, लेकिन मैं हरिलाल को भी बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। बेटा वो गरीब जरूर है, लेकिन उसकी खुददारी अमीरों वाली है, और हम लोगों ने उसकी खुददारी को चोट पहुंचाई है। मम्मी चोट जैसी भी हो मरहम से ठीक हो जाती है, और अगर आप जैसी माँ हो तो हरिलाल क्या, किसी को भी वापस आना पड़ेगा। मम्मी ये आंसू पोंछ लीजिए और मत निकलने दीजिए, क्योंकि जब वो सामने आएगा तो खुशी के मारे ये अपने आप ही निकल आएंगे। भगवान करे ऐसा ही हो। अरे ये तो खुला हुआ है। दामिनी 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 दामिनी, तुम? मेरा शियाना, मेरा शियाना। दामिनी रुक जा, कोई खड़ा नहीं कर।
दामनी रुक जा, नहीं तो दे दामनी रुक जा। तुझे क्या लगा हा? मुझे चकमा देकर भागेगी तू पकिया को? और लई शाणी पोर की निकाली रे तू, कपड़ा पन बदल लिया, लेकिन ये शकल कैसा बदलेगी तू? आज तेरा मैं पर काटना देख। छोड़ मुझे, तू क्या मेरा पर काटेगा? हा दमनी, आज तेरे को हुआ क्या है? तू मुझे धमकी दे रही है पकिया? ओए, धमकी नहीं दे रही, अगर तूने मुझे एक और बार हाथ लगाया ना तो मैं ये तेरा हाथ तेरे शरीर से अलग कर दूंगी। जानता है तू मेरे कब्जे में रहते रहता ना बोर हो गई है, इसी के वास्ते इतना नाटक कर रही है। मैं छोड़ेगा नहीं तेरे, चल मेरे ऐसे हाथ चल। अब भागने की कोशिश मत करना, नहीं तो क्या करेगा बोल, चल बोल ना क्या करेगा। दामनी तेरे को क्या हो गया है? आज पानी सर से ऊपर हो गया। कोई ज्यादा नहीं बोलने का, चुपचाप बैठने का। बहुत चुप बैठ चुकी, अब तुम्हारी बोलती बंद करने का टाइम आ गया है। तू मेरी बोलती बंद करेगी? पकिया की पागल हो गई है क्या? हाँ? मुझे लगता है तेरे को पागल खाने लेके जाना पड़ेगा, इधर नहीं रखने का अभी तेरे को, है ना? हाँ, ज्यादा मत बोल। अच्छा, अभी तू इधर ही चौक, मैं तेरा बंदोबस्त करता है, देख कैसा। बोल क्या बंदोबस्त करेगा, बोल ना बोल। दिमाग खराब कर दिया इस लड़की ने। हाँ बोलो बकिया, क्या हुआ? साहब आज तो बहुत बुरी खबर है। मतलब ये कि दामिनी भाग गई थी, बड़ी मुश्किल से पकड़ के लाया है मैं उसको, और बहुत अजीब सा बोल रही है, क्या क्या सुना रही है मेरे को, मुझे लगता है वो पागल हो गई लिए। आप है ना उसको पागल खाने ले जाओ। हाँ साहब। बकिया ये सब तुम क्या बोल रहे हो? साहब मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, अभी है ना, अभी वो दामनी है ना मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन चुकी है। क्या तुम एक लड़की से हिम्मत हार रहे हो? हाँ साहब, अभी जितने दिन का मेरे पास जिम्मेदारी था ना उसको देखने का, अभी वो खत्म हो गया है, अभी अभी मैं नहीं संभालने वाला साहब उसको। बकिया क्या, कुछ दिनों की तो बात है, कुछ दिन और संभाल लो, कुछ और पैसे दे दूंगा मैं तुम्हें। देखो साहब एक बात बोलता है मैं, अभी अगर वो अभी यहां से भाग गई ना तो फिर अपुन की जिम्मेदारी नहीं रहेगी। अरे यार क्या तुम ये सब कह रहे हो यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे। देवराज साहब मैं ठीक कह रहा हूं, आप इधर आओ और उसको समझाओ। ठीक है मैं अभी आता हूं। ओए पकिया मुझे भूख लगी है, मेनू कार्ड ला और मेरा ऑर्डर लिख जल्दी जल्दी। देवराज साहब आएंगे ना उन्हीं को ऑर्डर देना तो।